और सर मौसम में सियासी माहौल गर्म है और नकाबों के शहर में आज सुनामी की हलचल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से इत्तला सामने आ रही है कि वो अब जलसा गाह में पहुंच चुके हैं। आज कारकुनान जो कि आज सुबह से ही यहां पर जमा हो गए थे और इंतजार किया जा रहा था पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहां पर खिलाड़ियों के दरमियान मौजूद है। गुज़श्ता रोज जब वो लोधरा में मौजूद थे उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर इलेक्शन की तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में आज हम देख रहे हैं कि जलसे का भी इनेकाद कर दिया गया है। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ क्या ऐलानात करते हैं और साथ ही साथ आइंदा का क्या लाहे अमल देते हैं। जी हाँ, जिस तरह से रमीज़ आपने कल की बात की तो 2 नवंबर के बाद इमरान खान ये ऐलान कर चुके थे कि अब अवामी राबता मुहिम को तेज किया जाएगा, तो ये उसी की ही कड़ी है कि कल लोधरा में एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर उनके अहले खाना से ताज़ियत के लिए इमरान खान गए और आज भावलपुर पहुंचे हैं, यहाँ लोगों से मुलाकात होगी और साथ साथ खिताब भी इमरान खान की जानिब से किया जाएगा। उनके साथ शेख रशीद भी मौजूद है। इसके अलावा इलाकाई क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी भावलपुर पहुंची है। मौसम सर्द है और इस मौसम सर्द मौसम में गर्मी बढ़ाने के लिए, गर्मा गर्म खिताब करने के लिए इमरान खान यहाँ पहुंच चुके हैं। समाज स्क्रीन पर हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों ने आगे पीछे से इमरान खान को इस तरह से घेरा हुआ है कि इमरान खान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे स्क्रीन पर। अब हम देख सकते हैं समाज की स्क्रीन पर हमें शाह महमूद कुरैशी भी दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ मरकजी क़यादत भी इमरान खान के हमला भावलपुर के इस जलसे में मौजूद है। Yeah.